ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अधिक मास में रविवार प्रदोष व्रत के बारे में बता रही हूँ कि अगर रविवार को प्रदोष व्रत पड़ता है तो शिव जी के साथ किन और देवता का आवाहन किया जाता है। कृपया आप लोग इस वीडियो पर बने रहें। यदि रविवार के दिन प्रदोष हो तो शिव जी की पूजा के साथ साथ सूर्य देव की भी पूजा करें। दिन भर निराहार रहकर सूर्य देव की भी पूजा करें। दिन भर निराहार रहकर सूर्य डूबने के पहले ही कर लें। प्रदोष व्रत में नमक तेल आदि न खाना चाहिए। गेहूं का आटा, दूध, मिठाई, गुड़, फल आदि खाना चाहिए। एक वर्ष तक नियमित प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के रोग शोक तथा शत्रुओं का नाश हो जाता है और धन धान्य कीर्ति आदि प्राप्त करता है। बोलो ओम नमः शिवाय।